इस वक्त हमारे साथ निशा के फादर मौजूद हैं। सर कैसे क्या हुआ, आपको कैसे पता चला? मैं सोफियान में पोस्टेड हूँ, ऑन ड्यूटी था सोफियान में, कम्युनिकेशन इंचार्ज हूँ, इंस्पेक्टर। मैं ऑफिस से खाना खाने के लिए 2:30 बजे के करीब गया तो खाना खा करके वर्दी उतार रहा था तो एक लड़के का, जयदीप का, मेरे यहीं हमारी गली का लड़का है, भतीजा है, उसका फ़ोन गया। उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे कुछ कांड हुआ है। तो मैं सोचा कोई घरवाले आपस में भाई भाई भूई का ही हो गया होगा। तो बाद में वो बताया कि नहीं, वो लड़के को गोली लगी हुई है। मैं सोचा लड़के को गोली लगी होगी, लेकिन फिर मैंने उसको बोला जा देख एट दी स्पॉट जा करके। उसने जाके देखा तो उसने बताया कि लड़की को भी लगी है। मैं लड़की को भी देख, तो फिर वो लड़की को भी देखा, फिर मेरी मिसिज को भी गोली लगी हुई थी। सर आपकी धनपति जी से बात हुई होगी? नहीं, कोई खास, मैं सिर्फ देख देख के आया था। मैं 9 बजे ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में शाम को, वो कोई खास बात नहीं। सर जब निशा कुश्ती करने जाती थी, प्रैक्टिस करने जाती थी, वहाँ पर जो पवन है, जो कोच है, उसका कैसा व्यवहार था, कभी निशा ने आपको बताया? निशा मेरे को कुछ नहीं बताती थी, अपनी माँ को ही बताती थी, जो कुछ बताती थी मेरे को नहीं बताती थी। लेकिन मैं उसको आंखों से जानता था कि व्यवहार ठीक नहीं था उसका, कोच का, और वो गांव भी जानता था कि व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन मैं अकेला क्या कर, मैं तो एक मजबूर पिता था, समझते हैं नहीं समझते है? तो गांव का काम था कि ऐसे अनवांटेड तत्वों को गांव से बाहर करें। तो अभी पंचायत गांव में हुई है जी, क्या फैसला लिया गया? पंचायत जो फैसला लेगी, पंचायत को पता है, पंचायत पहले नहीं जगी, आज तो जग जाओ। ऐसे आगे आने वाले टाइम में तो ऐसे अनवांटेड तत्व गांव में पनाह ना लें, उनसे सावधान रहे, नहीं तो कल न कोई और भी मेरे जैसा आपको ये बाइक देता हुआ मिलेगा। देखिए निशा के पिता हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना है कि अनवांटेड जो तत्व है उनको गांव में अब नहीं घुसने दिया जाएगा। सोनीपत से ईटीवी भारत के लिए सनी मलिक।